संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रविवार को यूक्रेन पर रूस के हमले के मुद्दे पर 193 सदस्यीय महासभा का एक आपातकालीन विशेष सत्र बुलाया। चार दशकों में ऐसा पहली बार है जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने यूक्रेन पर यूएनजीए में विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया। इससे पहले यूक्रेन संकट पर आपातकालीन विशेष सत्र बुलाने को लेकर सुरक्षा परिषद में वोटिंग हुई। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस प्रस्ताव के पक्ष में 15 में से 11 वोट पड़े, जबकि रूस ने इसका विरोध किया। वहीं भारत, चीन और यूएई ने एक बार फिर से मतदान की प्रक्रिया से खुद को दूर रखने का फैसला किया। ऐसा ही कुछ शुक्रवार को हुआ था जब यूक्रेन पर रूस के हमले को रोकने और सैनिकों की वापसी को लेकर यूएन में प्रस्ताव आया, लेकिन तब रूस ने वीटो का इस्तेमाल कर प्रस्ताव को ही गिरा दिया। यूनाइटेड नेशंस में भारत के प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने कहा, हम हिंसा को तत्काल रोकने और सभी शत्रुताओं को समाप्त करने की अपनी अपील को दोहरा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के नेतृत्व के साथ अपनी हालिया बातचीत में इसकी वकालत भी की है। टीएस त्रिमूर्ति ने कहा, हम दोनों देशों की बेलारूस बॉर्डर पर बातचीत के ऐलान का स्वागत करते हैं। हम बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों समेत भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं, जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। टीएस त्रिमूर्ति ने कहा, सीमा पार से संघर्ष और अनिश्चित स्थितियों से हमारे निकासी प्रयासों पर प्रभाव पड़ा है। ये मानवीय आवश्यकता है जिसे संबोधित किया जाना चाहिए। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने आज के मतदान से खुद को बाहर रखने का फैसला किया है।